Hello my dear students, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3, current electricity. So student, इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, फिर करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, फिर उसके ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस के डायमेंशन के साथ रिलेशन देखे, फिर हमने देखा रेजिस्टेंस के टाइप। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, टू टाइप के रेजिस्टेंस स्टूडेंट, उसमें था एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस और सेकंड था हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस बेसिकली किसमें से बनाते हैं, तो कि एलॉय में से बनाते हैं, जिसमें जो वायर हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर उसमें एक तो नाइक्रोम वायर होता है, एक कॉन्स्टेंट वायर होता है और एक मैग्नीन वायर होता है। ओके, मैग्नीन का वायर जो होता है वो रियोस्टेट के अंदर यूज होता है, जो आप लोग यूज करोगे काफी सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, ये जो इक्विपमेंट है उसको बोला जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब एक बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर है जिसमें वायर वाउंड रेजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर, इसमें स्लाइडर से हम इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का वाउंड किया गया वायर है वो नाइक्रोम मैग्नीन का वायर है, मैग्नीन ब्लैक कलर का दिखेगा, नाइक्रोम वायर आपको स्टील के जैसा कलर का दिखेगा, थोड़ा शाइनिंग वाला होगा, और जो आपका कॉन्स्टेंट वायर होगा थोड़ा साइनिंग कम होगा, नाइक्रोम वायर जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा कम साइनिंग होगा। तो ऐसे वायर का वाउंड करके हम वायर वाउंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जो हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, फिर मीटर रेस के अंदर वो वायर यूज होगी, जो वायर होगा वो कॉन्स्टेंट का वायर होगा। उसके बाद कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, तो कि कार्बन और प्योर ग्रेफाइट और रेजिन का जो मिक्सचर है उसको छोटे से सिलेंडर के अंदर भर के, मतलब वो सिलेंडर किसका बनाता है, तो कि प्लास्टिक और सिरामिक का, उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से उसको मिक्स करके उसको हम रजिस्टर बनाते हैं, और रजिस्टर की वैल्यू होती है वो वन ओम से लेके वन मेगा ओम्स तक की होती है। ओके, मतलब में इजीली हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल सकते हैं। ओके, रजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें से ले सकते हैं, और वो इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है। ओके, कॉस्ट भी कम है उसका, और कॉम्पैक्ट साइज का, छोटे से साइज का, और उसको हम इजीली सर्किट के अंदर फिट कर सकते हैं और रख सकते हैं। ओके, तो ये कार्बन रजिस्टर थे, और कार्बन रजिस्टर के ऊपर कार्बन रजिस्टर के वैल्यू निकालने के लिए एक साइंटिस्ट लोगों ने कोडिंग किया था, उसको बोला गया है कार्बन कलर कोडिंग। ओके, कोडिंग की सिस्टम हमने पढ़ी थी, किसको इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी मतलब हमें कलर दिए तो कलर के ऊपर से रजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाले जाए, या तो वैल्यू दी उसके ऊपर से कलर कौन से होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम उसको डिस्कस किया था। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रजिस्टेंस की जो वैल्यू है, या तो रजिस्टिविटी है कोई कंडक्टर की या फिर कोई भी मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लेक्चर है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, एमसीक्यू के लिए भी। ओके, इसके ऊपर से एमसीक्यू चाहे उतने बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी है हमारे टेक्स्ट बुक में भी, सॉल्व और अनसॉल्व भी है पीछे जो एक्सरसाइज में, तो अच्छे से समझते हैं थियरी को। थियरी आपकी कुछ इस तरह से, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेक्स्ट बुक में सिर्फ रेजिस्टिविटी लिखा, मैंने रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लिया है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अंदर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना हो, उसके लिए हमें मेरे तो एक फॉर्मूला बताओ आपको, कि करंट डेंसिटी का जो रिलेशन था, ओके, ओम्स लॉ हम बोलते थे, ओके, ओम्स लॉ एक वेक्टर फॉर्म में हो गया था, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इनटू बी वेक्टर, ये फॉर्मूला था। इसको स्केलर फॉर्म में लिखो तो मैं लिख सकता हूँ जे इक्वल्स टू सिग्मा, ये मेरा रिलेशन आएगा। ओके, अभी स्टूडेंट मुझे करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला था, वो बोला था एन ई बी डी, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। ओके, बी डी को ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट, बी डी में डी को सफिक्स में लिखना है, तो ऐसा लिखोगे बाद में मेरे पास पूछने आओगे सर इसमें डी की वैल्यू तो दी है, डी की वैल्यू कहाँ पे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी स्टूडेंट। ओके, आपको बी डी को मतलब ट्रिप वेलोसिटी को डिनोट करना है, ऐसे ही ये वाला जो नोटिफिकेशन यूज करोगे ये लॉन्ग है। ओके, क्लियर रखना माइंड में। अभी करंट डेंसिटी के दो फॉर्मूले, एक इक्वेशन वन और एक टू, दोनों को कंपेयर करो तो देखो सिग्मा ई इक्वल्स टू आपके पास जो न्यू रिलेशन बनेगा वो एन ई बी डी, या कि बी डी है ट्रिप वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, ई हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, इसमें वैल्यू पुट कर दें सिग्मा की कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो सिग्मा ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एन ई बी डी की वैल्यू होता है ई ई बाय स्मॉल एल और इनटू ये टाउ, ये उल्टा दिया दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन
हमारा क्या रहता है, मतलब मैं रिलैक्स रह जाता हूँ, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और उसका जो एवरेज ले रहे हैं उसको हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ओके, सक्सेसिव कोलिजन का हम एवरेज ले रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन उसका हम क्या करेंगे एवरेज, और वो हमें देगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अभी दोनों साइड से ई को कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रिकल फील्ड को, तो सिग्मा इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बनेगा एन स्क्वायर टाउ बाय एम। इसको पर सर क्लियरली बोल सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम जितना इंक्रीज होगा उतनी कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, सो करा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो कि रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी वन अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा होता है ना, एन स्क्वायर टाउ बाय एम। तो मैं क्या रो इक्वल टू लिख सकता हूं एन ई स्क्वायर, सॉरी यहां पे लिखते हैं ऊपर हम रो इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट, रो इक्वल टू एम बाय एन स्क्वायर इनटू टाउ। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम जितना इंक्रीज होगा उतना ही रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी कम होगी, या तो रिलैक्सेशन टाइम जितना डिक्रीज होगा उतनी ही रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। क्लियर? अभी रिलैक्सेशन टाइम सक्सेसिव कोलिजन है, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये मान लो कि हमारे ये हमारा कंडक्टर है, फिर वापस यहाँ पे गया कोलिजन हुआ, तो ये जो इसका एवरेज निकालेंगे हमारा क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम का होगा। अभी जब हम उसको टेम्परेचर दिए तो रूम टेम्परेचर की बात करें तो रैंडम मोशन हो रहा था, जब उनको हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो उनका जो वाइब्रेशनल मोशन है रैंडम मोशन है और बढ़ जाएगा, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा तो उनको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बार बार कोलिजन करते रहे, बार बार टकराते रहेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम उनका क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, उस टाइम पे इसकी कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है उस कंडक्टर की बढ़ जाती है। तो हमें वही देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको बेटर आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ था ओके वो इंक्रीज कब होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या होता है उसमें एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो रैंडम मोशन था वो भी बढ़ जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन बोले या तो वाइब्रेशनल मोशन बोले वो सब बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा कोलिजन बार बार होता रहेगा तुरंत हो जाएगा, कोलिजन बार बार होता रहेगा तुरंत होगा, उनको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है एवरेज जो कोलिजन के बीच का टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, उसका मीनिंग क्या है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है कंडक्टर के अंदर, वो पता चल गया, मतलब मैं मेटल एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी हमें आगे डिस्कस करना है तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें, वो फॉर्मूला समझने से पहले हम 11th स्टैंडर्ड तक थोड़ा रिकॉल कर लें। 11th स्टैंडर्ड में हमने हीट वाले चैप्टर पढ़े थे, उसमें हमने देखा था थर्मल एक्सपांशन, क्योंकि उसमें लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, मान लो कि मेरे पास कोई मेटल एक रोड है उसको मैं कुछ हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बर्नर से मैं क्या कर रहा हूँ हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्यू जितना, इनिशियल इसकी लेंथ थी वो एल जितनी थी। ओके, जब मैंने उसको हीट दिया उसके लेंथ में कुछ चेंजेस आया, ओके कुछ इतना डेल्टा एल जितना चेंजेस आया, तो जो डेल्टा एल चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट था, जो लीनियर एक्सपेंशन था वो हमें पता है डेल्टा एल वो डिपेंड करेगा इनिशियल लेंथ एल नॉट के ऊपर, इनिशियल लेंथ हम लेते हैं एल नॉट। अभी मान लो एक ऐसे हुआ, तो मान लो कि आपका जो इनिशियल लेंथ फॉर एग्जांपल इनिशियल लेंथ 5 मीटर है, और जो चेंजेस आया वो चेंजेस डेल्टा एल है वो आपका आया 0.5 सेंटीमीटर, या तो मीटर लिख सकते हो या 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ओके, तो जो एल नॉट प्लस डेल्टा एल होगा न्यू लेंथ होगी वो मान लो कि 5.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, 5.5 मीटर सॉरी। ओके, ये जो चेंज है वो कितना होगा, मान लो कि पूरा थोड़ा ही हम बात करें एल प्लस डेल्टा एल वो कितना आया 5.5 मीटर,
तो आप देख सकते हो एल नोट आपका कितना है, एल नोट आपका इनिशियल 5 मीटर है, तो चेंज कितना है डेल्टा 0.5 मीटर हुआ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ओरिजिनल लेंथ उसके हिसाब से उसमें चेंज आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि ओरिजिनल लेंथ जो आपका 5 किलोमीटर है और उसमें चेंज आ रहा है, मतलब जो एल नोट प्लस डेल्टा एल है तो 5.5 होता, तो ये किसमें आता, ये किलोमीटर में आता या मीटर में आता, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, चेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ के ऊपर कि आपका जो चेंज है वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ के ऊपर। वो हमने लास्ट 11th के क्लास में डिस्कस किया था, याद हो तो ठीक है, ऐसे तो रजनी को हो ही नहीं याद होगा। ओके, याद देखो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ के ऊपर, और मैं जो टेम्परेचर में चेंजेस कर रहा हूँ कोई टेम्परेचर टी नॉट की बात, टेम्परेचर में चेंजेस करोगे टी टेम्परेचर में उसमें डेल्टा एल का चेंजेस हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करूंगा उतना ज्यादा सामने क्या होगा चेंजेस होगा, मतलब में डेल्टा एल है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी है, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो मेरे पास न्यू इक्वेशन आएगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट एंड डेल्टा टी। ओके, प्रोपोर्शनल में निकालते हैं कॉन्स्टेंट रूल कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा डी, ये इक्वेशन है वेयर अल्फा क्या था तो कोएफिशिएंट था, ओके लीनियर कोएफिशिएंट बोल रहे लीनियर एक्सपेंशन था। सिमिलर यहाँ पे भी हमें बात करनी है रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंजेस आ रहा है उसकी बात करनी है। तो स्टूडेंट मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का जो इनिशियल मान लो कि T0 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस से वो आर नोट है, बाद में आप टेम्परेचर टी इक्वल्स टू कुछ कर रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस गिर रहा है, उसके बीच का रिलेशन निकालना है तो रिलेशन कैसे निकालोगे, तो चेंज इन रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर। सिमिलर यहाँ पे अगर हमने बात किया था रिसेंट, और जो डेल्टा आर है वो डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर आप कितना चेंज करो वेरी कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपका जो इक्वेशन है डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट एंड डेल्टा टी होगा कंबाइन किया नीचे को। ओके, अभी प्रोपोर्शनलिटी निकालते हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट प्रूव करना पड़ेगा, तो चलो कॉन्स्टेंट प्रूव करता हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा आर इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, या अभी मैं अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो डेल्टा आर बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी, तो ये आया मेरे पास। अल्फा क्या है, क्योंकि ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ओके ऐसे रेजिस्टिविटी में भी आया, तो यहाँ पे हमें अल्फा का यूनिट लिखना हो तो यूनिट कैसे मिलेगा स्टूडेंट, यूनिट की बात करें तो डेल्टा आर और आर ये दोनों सेम क्वांटिटी है रेजिस्टेंस है तो कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में टाइम नहीं है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का आप डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं या तो फिर केल्विन भी ले सकते हो, तो ये केल्विन इनवर्स या तो सेल्सियस इनवर्स आपका उसका ये आएगा। और इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करें डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस है तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सब्जेक्ट करें इसको आर को, तो आर इक्वल्स हम लिख सकते हैं आर नॉट इसको इस साइड ले प्लस हो जाएगा तो प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी जीरो। ओके, ये इक्वेशन आया जिसमें हम आर नॉट को बाहर कॉमन निकाले तो आर नॉट कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन हो गए। ओके, ये जो इक्वेशन हो गए इसकी नीड आपको रहेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो अच्छे से समझ लो अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम इसके रजिस्टिविटी के फॉर्मूले लिखेंगे। तो रजिस्टिविटी के फॉर्मूले लिखना होगा कैसे करोगे, देखो हमें आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं रो एल बाय ए, रॉयल फॉर्मूला था अपने पास रो एल बाय ए, तो ये चेंज नहीं हो रहा होगा लेंथ और एरिया, तो हम लिख सकते हैं ना आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो, ये कांस्टेंट है, उसमें केस में क्या होगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट करूँ तो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, ये रेजिस्टिविटी के टर्म में आ गया। ओके, तो आप रेजिस्टिविटी के टर्म में भी वापस से डेरिवेशन करना तो कर सकते हो, ऐसे ये रेजिस्टिविटी के टर्म में आ गए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये नोट कर लो, इसके बाद हम इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ रिलेशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो पहले अच्छे
कि स्टूडेंट नोट कर लिया। अभी हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है उसको समझते हैं ग्राफिकली। स्टूडेंट हम ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, ग्राफ किसके वर्सेस किसके ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें तो रेजिस्टिविटी को हमें दिखाना पड़ेगा वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर हमें टेम्परेचर को लेना है। वो आपको किसी में भी दे सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी या तो फिर केल्विन में भी दे सकते हो। ओके, और ये इसका भी होगा ओम का रेजिस्टिविटी का। ओके, अभी कंडक्टर के अंदर जो रिलेशन आता है वो कैसा आता है, तो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन आता है टेम्परेचर बढ़ने से हमें पता है कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो टेम्परेचर बढ़ा जैसे क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से एन की वैल्यू बढ़ जाती है। एन मतलब जो सॉरी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो कम हो जाता है, उसके पीछे का रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज हो जाता है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से वजह से क्या होता है, दो से हमारे पास फॉर्मूला था एन इक्वल एम डिवाइडेड बाई एंगल स्क्वायर टाउ, तो ये डिक्रीज होगा तो उसका मीनिंग रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है कंडक्टर के अंदर और रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज होता है, जो अपना एन होती है एन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और देखो इसके ऊपर जो ग्राफ मिलता है वैसे मिलेगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है ऐसे मिलेगा। ओके, और इसके ऊपर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ तो स्लोप 220 इसका ए बी और सी, तो स्लोप आपको क्या देगा, देखो स्लोप इक्वल्स आप देख सकते हो ए बी बाई बी सी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, आपको बताइए रिकॉर्ड कर है तो यहाँ पर स्लोप आपको टेन थीटा की बात करूँ तो वो आ जाएगा एटी मतलब ए वन, ये आपको देगा डेल्टा वन और बी सी मतलब कौन सा तो ए वन ये आपको क्या देगा डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आपको क्या शो कर रही है आपको, तो आप देखो कि आपके पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का लास्ट टाइम में डिजाइन किया था वो क्या था फॉर्मूला, तो क्या वो फॉर्मूला था थोड़ा सा देख लेते हैं, एन कॉन्स्टेंट आपका फॉर्मूला था डेल्टा रो इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी डेरिवेशन, तो मैं अल्फा डेल्टा रो बाय डेल्टा टी इनटू मेरे पास क्या आएगा रो नॉट इनटू अल्फा, तो डेल्टा रो बाय डेल्टा टी आपको क्या शो करेगा अल्फा रो। ओके, मतलब ये स्लोप है आपको अल्फा की वैल्यू देगा। इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, ये जो स्लोप मिलेगा आपको रो वर्सेस टी का ग्राफ वो आपको अल्फा रो की वैल्यू की वैल्यू देगा जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इसमें देखो ये एंगल तो इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, एंगल इंक्रीज होते जा रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेगी। ओके, रेजिस्टिविटी इसमें आप बोल सकते हो अल्फा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा कंडक्टेंस के कंडक्टर के अंदर जो अल्फा है अल्फा मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लेना। ओके, इसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर ग्राफ हमें ड्रॉ करना है रो वर्सेस का टेम्परेचर का ही। ओके, तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा इसके रो इसके टेम्परेचर। अभी देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इसमें डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की बात करें क्यों ऐसा होता है, तो पता है आपको टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसमें नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब ये क्या होगा एन इंक्रीज होगा तो ये रो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसके केस में सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इसमें मोबाइल चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन तो है ही फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल भी है, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ने से होल के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें स्लोप आपका नेगेटिव आएगा मतलब अल्फा आपका क्या होगा नेगेटिव मिलेगा। ओके, सेमीकंडक्टर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा शुरू। ओके, और कंडक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कंडक्टिविटी का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो सिग्मा वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वो आपको इंक्रीज दिखेगा इसमें दिखा रहा होगा डिक्रीज में दिखा सकते हो दोनों में सेम ही आएगा। ओके, लेकिन उल्टा हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें जैसे कि हमारे कार या मोबाइल कार या बाइक की जो बैटरीज होती है उसमें टू इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है तो उसमें मोबाइल चार्ज के लिए पॉजिटिव आया इस वजह से नेगेटिव आया होता है
तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा। लिक्विड ही है ना, लिक्विड होता है तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वो थोड़ा बढ़ता है, हिलता है थोड़ा, मतलब उसका एक्सपांशन होगा। तो एक्सपांशन होगा तो हम देख सकते हैं मास डेंसिटी वॉल्यूम इंक्रीज, तो डेंसिटी डिक्रीज, तो मतलब में विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। विस्कोसिटी क्या है, तो फ्लूइड के अंदर लगने वाला फोर्स है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विस्कस फोर्स कम होगा तो वहां पे आयंस जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। मतलब में टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, तो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाएगी, ओके, एंटीबॉडी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बढ़ेंगे और विस्कस या तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा आएगा, मतलब ये ग्राफ आपको दिखाना हो टेम्परेचर, सॉरी इस पर रेजिस्टिविटी और यहाँ पे आपका टेम्परेचर, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा डिक्रीज वाला, ओके, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर याद रखना कि वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी मतलब वो मीडियम कम डेंस होगा। इसका सिंपल एग्जांपल समझना, आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देखो कि कोई फॉरेस्ट है, एक जंगल है वो पूरा भरा हुआ, मतलब वहाँ पे जो पेड़ लगे हो आसपास लगे हो, तो हमें वहाँ से मूव होना होगा, हम इजीली मूव नहीं कर पाए, लेकिन दो पेड़ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो दूर दूर हो फॉरेस्ट के अंदर, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री की डेंसिटी वो कम हो तो हम इजीली मूव कर सकते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होना मतलब आयंस को इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब अपोज कम है, अपोज कम मतलब रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम क्यों हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ, ओके, हिलता है ना लिक्विड तो फैलेगा, डेंसिटी कम होगा तो मतलब रेजिस्टिविटी का ग्राफ ऐसे आएगा, कंडक्टिविटी का ग्राफ आप उल्टा दिखा सकते हो, ओके। इसके बाद एलॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एलॉय क्या है, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, ओके, मिक्स किया हुआ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करके एलॉय बना सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम जो यूज करने वाले जो एलॉय होते हो अपने जो एलॉय है वो MCM मैंगनीज कॉन्सोनेंट और नाइक्रोम, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इतना इफेक्ट नहीं होता है और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाले में इसका सेमी इलेक्ट्रोलाइट वाले में भी नेगेटिव ही आएगा अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका नेगेटिव होगा। और एलॉय की बात करें तो एलॉय के अंदर क्या होगा, क्योंकि एलॉय के अंदर अल्फा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके, पॉजिटिव होता है और इतना इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे नहीं होता, ज्यादा चेंजेस नहीं होता, इसलिए ग्राफ मैंने ऐसे नहीं करा, ओके, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया, इसलिए एलॉय का यूज हम करते हैं प्रैक्टिकल में यूज होने वाले वायर के अंदर, जो मैंने बताया यहाँ पे रियोस्टेट के अंदर जो वायर यूज होता है नाइक्रोम मैगनीन का, ये मैगनीन का वायर क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये टेम्परेचर पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ओके, टेम्परेचर में चेंजेस होगा उसकी रेजिस्टिविटी में चेंजेस नहीं होगा, इससे हमारे प्रैक्टिकल के रीडिंग्स के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और इसका यूज काफी जगह पे होता है, कि मान लो कि आपके टेलीविजन में कोई ऐसा पार्ट है जैसे कि स्पीकर वाला पार्ट है, वहां पे आपको कॉन्स्टेंट करंट की वैल्यू चाहिए, अभी करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी ना होनी चाहिए, वेरी नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे हमें एलॉय लगाना पड़ेगा, ओके, एलॉय सेमीकंडक्टर में से बनाया हुआ एलॉय लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए, सॉरी कॉन्स्टेंट हमें वहां पे क्या चाहिए, करंट चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा बार बार यूज होगा, करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना में हम एलॉय का यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज हम प्रैक्टिकल पर्पस में हम लेबोरेटरी के अंदर करने वाले हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट वायर फिर मैंगनीज वायर का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और उसका जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है और वो टेम्परेचर से ज्यादा इतना डिपेंडेंट नहीं है, ओके, इतना डिपेंडेंट नहीं है। और इंसुलेटर में तो क्या होगा, इंसुलेटर में भी सेम आएगा, और इसमें आप नाइक्रोम का, ये नाइक्रोम का मैंने ग्राफ प्रूव किया नाइक्रोम वायर के लिए, ओके, और एक दूसरा एक मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं थायरिस्टर, ओके, थर्मिस्टर, सॉरी थर्मिस्टर है, वो क्या होता है, तो कि टेम्परेचर बढ़ने से उस मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो थर्मिस्टर जो हम लगाते हैं, कोई थर्मिस्टर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे थर्मोमीटर के अंदर यूज होता है, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर थर्मोमीटर हीट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर पढ़े थे, उसमें इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते थे हीट का, मतलब टेम्परेचर का,
तो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है, उस थर्मामीटर बनाने के लिए थर्मिस्टर यूज कर सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर के अंदर। कि ऐसा कह सकते देखो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या होगी, चेंजेस होगा। मान लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही, कम हो रही है, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू के ऊपर से आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो थर्मिस्टर जो है उसका यूज थर्मामीटर में होता है और उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ में। ओके, तो उसका यूज हम थर्मामीटर बनाने में करते हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल थे जो टेम्परेचर के साथ उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे वेरी होगी, उनके ग्राफ देखी हमने और मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपको मेंटेन करने, और ये सब चीज़ें एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं कि जो थर्मो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कौन से मटेरियल में क्या आता है, वो सब आपको ये डेटा के अंदर से मिलेगा। तो आई होप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, तो अच्छे से वीडियो को देखो, फिर नोट कर लो। ओके, थैंक यू।